भागलपुर में जाम की समस्या आम बात हो गई है और इससे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, लेकिन इस तरह की अधिकांश योजनाएं कागजों पर सिमट कर रह गई है। वहीं इसको लेकर शहर के पटेल चौक के समीप मल्टी लेवल कार पार्किंग की बिल्डिंग बन रही है, जहाँ वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था होगी। बताया जा रहा है कि अब तक इस भवन निर्माण का लगभग 75% कार्य पूरा हो गया है और जल्द ही शहरवासियों को इसकी सुविधा मिल सकेगी। इधर पहली बार शहर में बन रही स्टील स्ट्रक्चर से निर्मित इस तरह की पार्किंग बिल्डिंग लोगों के बीच चर्चा और कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिसमें कार को लिफ्ट कर निर्धारित फ्लोर और जगह पर पहुंचाकर पार्क कराई जाएगी। इस बिल्डिंग में सारी गतिविधियां ऑटोमेटिक और मशीन के कार्य पर निर्भर होंगी। बता दें कि इस मल्टीलेयर पार्किंग की 4 मंजिल में कार और बाइक पार्किंग की सुविधा होगी। इधर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मल्टीलेयर पार्किंग के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और एजेंसी के द्वारा कार्य को जल्द पूरा किए जाने की बात कही। डीएम ने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग का कार्य पूरा होते ही 2 माह के अंदर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार और ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह समेत इससे संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। ये बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्मार्ट सिटी से इसको हम लोगों ने चयन किया था। कुछ इसके ड्राइंग, डिज़ाइन और स्वीकृति में विलंब हुआ। आप लोगों को पता है कि पहले यहाँ दुकानें बनी हुई थी, अतिक्रमण था, ये हम लोगों की जिला प्रशासन की ज़मीन थी, तो इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय में केस भी हुआ था, तो उसको हम लोगों ने फिर खाली करवाया। और ये लगभग 8 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग है। इसमें आप देखेंगे कि ऑटोमेटेड सिस्टम है और इसमें 39 जो है 4 व्हीलर्स के रखने की व्यवस्था है और जिसमें 7 SUV गाड़ियाँ भी जो है नीचे वाले फ्लोर पे, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो भी रह सकती हैं, और सेडान और ये सब मिला करके 39 जो है 4 व्हीलर्स के लिए और 44 जो है मोटरसाइकिल्स के लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। शुल्क भी एकदम मिनिमम रहेगा, जो नॉर्मल शुल्क होता है वही रहेगा। एजेंसी को 3 साल तक इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन सारा देखना है। यहाँ बहुत इसका सामने का लुक हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, जो सामने का फसाद वगैरह डेवलप होगा, एक कैफेटेरिया रहेगा, ड्राइवर्स वगैरह के स्टे के लिए भी हम लोगों ने छोटा सा बैठने की व्यवस्था की है और इसमें यूरिनल वगैरह की व्यवस्था है, टॉयलेट, शौचालय। और जो ई व्हीकल्स का ज़माना है, आप देखेंगे ई रिक्शा चल रहा है, कई सारे 4 व्हीलर्स भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उसके लिए भी चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगाया गया है। मिनिमम शुल्क में यहाँ अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी चार्जिंग भी जो है आप यहाँ करा सकते हैं। तो काम इसमें अंतिम चरण में है, क्योंकि बहुत ही ऑटोमेटेड और एक तरह का नया सिस्टम है, तो इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के जो इंजीनियर्स है काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर, जो सामने से भी बहुत ग्लास वगैरह जब लग जाएगा बहुत अच्छा दिखेगा, अगले 1 महीने में ये शुरू हो जाएगा और इसको हम लोग इमीडिएटली ऑपरेशनलाइज भी जो है वो कराएंगे। आगामी 22 जनवरी को प्रभु राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। रामलला के इस भव्य आगमन को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है, जबकि कई वर्षों से देशवासियों को इस दिन का इंतजार था। बता दें कि प्रभु राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश दुनिया के कई गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे। वहीं इसको लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से रामलला के स्वागत में अलग अलग प्रकार की झांकियां निकाली जा रही है, जबकि पड़ोसी देश नेपाल से भी प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी संख्या में बड़ी सौगात भेजी गई है। इसी कड़ी में भागलपुर में 2 युवकों द्वारा कहलगांव से साइकिल पर अयोध्या नगरी के लिए यात्रा शुरू की गई है। बता दें कि करीब 22 से 25 वर्ष के युवक अनुपम और संदीप मूल रूप से भागलपुर जिले के ही निवासी हैं और ये अपना खुद का स्टूडियो चलाते हैं। वहीं संदीप का कहना है कि उसे फोटोग्राफी का शौक है और दोनों युवकों के मन में भगवान राम के प्रति गहरी आस्था है, जिस कारण वे दोनों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साइकिल से जा रहे हैं। अनुपम ने बताया कि एक रात्रि जब वो सोए थे तभी प्रभु राम उनके सपने में आए, जिसके बाद इन दोनों ने पैदल अयोध्या नगरी जाने का मन बनाया, लेकिन समय कम होने के कारण उन्हें साइकिल से ही यात्रा शुरू करनी पड़ी। इस दौरान दोनों युवकों ने कहा कि उन्हें बस इतना पता है कि उन्हें अयोध्या प्रभु राम की नगरी जाना है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखकर भगवा पताका लहराना चाहते हैं। साथ ही कहा कि उनके माता पिता भी उन दोनों के इस निर्णय से खूब खुश हैं। वहीं इस दौरान राम भक्त संदीप और अनुपम से बात की हमारे संवाददाता ईशुराज ने। आगामी 22 जनवरी को भगवान राम के नए मंदिर को जो है सौंदर्यकरण होने जा रहा है। नवनिर्मित
जो मंदिर है उसकी शुरुआत होने जा रही है। पूरे देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। पूरे देशवासियों को इस दिन का काफ़ी वर्षों से इंतजार था। इसी कड़ी में भागलपुर के दो ऐसे शख्सियत हैं जो युवा हैं, वो लोग साइकिल से प्रभु राम के नगरी अयोध्या जा रहे हैं। हमारे बीच जो युवा है साथी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये दिमाग में आपको कैसे आइडिया आया कि साइकिल से मुझे इतने दूर भगवान राम के नगरी जाना है, अयोध्या जाना है। भैया सबसे पहली बात तो हम सोचे थे कि 22 तारीख को राम मंदिर जाएं, ठीक है। तो चीज़ क्या हुआ कि हम सोचे एक बुलेट खरीद लेते हैं, हम ऐसे वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो थोड़े सोचे मेरे पास एक पल्सर बाइक है, तो हम पल्सर बाइक से कस्टमर के पास जाते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो हम सोचे बुलेट खरीद लेंगे। तो उसके पास से अगर हम डीलिंग करने जाएंगे कस्टमर के पास तो लगेगा कि नहीं थोड़ा आदमी सही है, तो हम सोचे कि बुलेट खरीद लेते हैं और बुलेट से राम मंदिर चलते हैं दो लोग। फिर मन में आया कि बुलेट से तो हम राम मंदिर चल जाएंगे, लेकिन जो अभी पब्लिसिटी का प्यार है, जहाँ जहाँ हम लोग को रोक के पूछ रहा है, वो बुलेट में नहीं पूछ पाएगा। इसलिए हम सोचे चलो साइकिल से चलते हैं। तो भैया जी बोले पैदल चलो, हम बोले पैदल के लिए टाइम नहीं है अभी, तो साइकिल से चलते हैं तो हम लोग पहुँच भी जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, और हम लोग का पूजा पाठ भी हो जाएगा सब अच्छे से। कहाँ से आ रहे हैं आप और पता है कि कितनी दूर का सफर? हम कहलगांव से आ रहे हैं, हमारे कहलगांव से लगभग 700 किलोमीटर है राम मंदिर अयोध्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 10 दिन का सफर है हम लोग का, 10 दिन में 19 तारीख तक हमको पहुंचना है राम मंदिर। जो समय निर्धारित है, जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रहा है, वो 22 दिसंबर को हो रहा है, क्या लग रहा है कि सुनिश्चित समय पर पहुंच जाएंगे? 19 तारीख को पहुंच जाएंगे एनी हाउ। अच्छा जी, और कैसे ये आखिर दिमाग में क्या था, मन में कुछ क्या, मतलब भगवान के प्रति क्या आस्था थी जो कि आपने साइकिल से जाने के? एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे मन में कुछ आया, ठीक है, कि हम वेडिंग का जो काम कर रहे हैं उसमें मेरा वो मुकाम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हम कितना भी 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया महीना कमा लें, लेकिन वो मुकाम हम हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी भागलपुर के हमारे आदर्श आनंद जी, अगर वो आज के डेट में कितना पॉपुलर है, आज के डेट में भागलपुर में उससे ज़्यादा पैसा वाला लोग बहुत है, लेकिन जो आदर्श आनंद का जो मुकाम है आज की डेट में भागलपुर में, वो पैसा वाला उसके सामने फीका पड़ जाता है। तो हम पैसा तो अभी भी कमा रहे हैं 1 लाख रुपया महीने का, लेकिन वो पैसा पैसा के जगह पर रह जाएगा, लेकिन फेस अगर प्रचलित होगा ना तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ठंड का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी रास्ते में, कठिनाई होगी, क्या लगता है प्रभु राम हर लेंगे? हम लोग तो उसके लिए सब व्यवस्था करके जा रहे हैं, टेंट वेंट सब चीज़ ले लिए हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं आने वाला है हम लोग को जहाँ तक लग रहा है। रास्ता देखे हैं? रास्ता एक बार हम राम मंदिर से आ चुके हैं, दूसरी बार जा रहे हैं। साइकिल से मन बना लिए कि जाना है? आपके माता पिता जो अभिभावक हैं वो जान रहे हैं कि आप लोग साइकिल से इतना लंबा सफर जो तय कर रहे हैं? माता पिता भी जान रहे हैं। क्या कहा माता पिता ने? माता पिता ने कहा जाओ, देख के आओ, पूजा करके आओ, आशीर्वाद भी दिए। अब जो जाएंगे तो कब तक ये अमूमन कितना समय लगेगा, कब तक पहुँचे? हम 19 तारीख तक पहुँचने का पूरा प्लान बनाए हैं, 19 को पहुँचना है, 22 तक रुकना है, फिर उधर से आने का अभी कुछ सोचे नहीं है कि कैसे आना है। और रहेंगे कहाँ, क्या ठिकाना क्या होगा, कुछ सोचे नहीं सोचे, ऐसे ही निकल पड़े तो जैसा आपने देखा कि ये दोनों युवा हैं, ये दोनों जो है, इन दोनों ने साइकिल से राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की ठानी है। इन्होंने कहा कि इनके माता पिता और अभिभावक सभी लोग जानते हैं कि ये लोग इतनी बड़ी चुनौती का सामना करते हुए भी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो भी साइकिल से जाएंगे, जबकि कोई ठिकाना कहाँ रहेंगे क्या करेंगे इसके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु राम के प्रति आस्था इतनी है कि इसके लिए इन दोनों ने कहलगांव से अयोध्या जी जाने की ठानी है। भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए ईशुराज। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के जीरो माइल में जदयू की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी 24 जनवरी को पटना वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में युवाओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रमंडलीय स्तर पर की गई इस बैठक में गुरुवार को कार्यक्रम प्रभारी प्रहलाद सरकार, जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जदयू जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती और पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल सहित कई जदयू नेताओं ने अपनी बातें रखी। वहीं इसको लेकर जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि 24 जनवरी को पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जबकि कार्यक्रम में पूरे बिहार से भारी संख्या में जदयू कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। साथ ही कहा कि भागलपुर से अधिक संख्या में लोग शामिल हो, इसके लिए विशेष बैठक की गई है। मौके पर जदयू के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में आयोजित किया जाएगा पार्टी की तरफ से। उसी कार्यक्रम को लेकर तैयारी के उद्देश्य से आज बैठक का आयोजन जिला जनता दल यू के सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में किया गया है। पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महासचिव, सभी साथीगण एक साथ बैठ के हम लोग ये तैयारी का कर रहे हैं कि हम लोग जो आगामी 24 जनवरी को जाएंगे कितनी संख्या में जाना है। लगभग हम लोगों का टारगेट 10,000 का है। हम लोग 10,000 की संख्या में यहाँ से साथी पटना के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रीय जनता दल का भागलपुर जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन बुधवार को जीरो माइल स्थित एक विवाह भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव उपस्थित थे। इस दौरान राजद के विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह, विधायक अनिरुद्ध कुमार यादव, विधायक विजय कुमार मंडल समेत अन्य अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनावी सभा में प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर छल किया है। बढ़ती महंगाई, नई शिक्षा नीति लागू कर देश की जनता का कमर तोड़ने का काम किया गया है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। वहीं जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी के सभी ऊर्जावान साथी किसी भी परिस्थिति में भाजपा के सामंती ताकतों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। सम्मेलन में वरिष्ठ राजद नेता केदारनाथ यादव, विधायक थोरैया, भूदेव चौधरी, पूर्व विधायक त्रिपेटी, रामविलास पासवान समेत कई वरिष्ठ राजद नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर सेंट जोसेफ स्कूल की नाबालिग छात्रा से रेप के प्रयास मामले में आरोपी सेंट जोसेफ स्कूल के पूर्व प्राचार्य अमलराज के तमिलनाडु स्थित आवास पर इश्तेहार चिपकाने के लिए पुलिस टीम तमिलनाडु रवाना हो गई है। पॉक्सो कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी अमलराज के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था, जिसको लेकर केश की IO प्रतिमा कुमारी पुलिस कर्मियों के साथ अमलराज के तमिलनाडु स्थित आवास के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि इस मामले में आरोपी स्कूल के 2 शिक्षक पहले से ही जेल में बंद हैं, जबकि अमलराज फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है।